जांच एजेंसियों को पीएफआई से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली जानकारियां मिली। पता चला है कि पीएफआई के देश में आतंक फैलाने के पूरे प्लान को जांच एजेंसियां डिकोड कर चुकी हैं। पता चला है पीएफआई ने सरकारी एजेंसियों को चकमा देने का एक बड़ा प्लान बनाया था। देश के कई राज्यों में लोगों के दिलों में धार्मिक कट्टरता का जहर भरा जा रहा था, जिसके जरिए देश में अमन और शांति को खत्म करने का मकसद था। जांच एजेंसियों को मिले नए दस्तावेजों में हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। किस तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सरकारी एजेंसियों को चकमा देने का प्लान बनाया था, ये भी पता चला है। खबर मिली है कि देश में आतंकवाद की जड़ें फैलाने का पीएफआई का ब्लूप्रिंट क्या था। हैरान करने वाली जानकारी ये है कि पीएफआई का नेटवर्क अब कर्नाटक और तेलंगाना में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी तेजी से फैल रहा है। उसके एजेंडे पर तो पूरा भारत था। उसने एजेंसियों को चकमा देने के लिए अपने एक नहीं बल्कि कई चेहरे बनाए थे। जितने चेहरे थे उससे ज्यादा नकाब बनाए थे, लेकिन एजेंसियों ने अब पीएफआई के हर चेहरे की पहचान करने का दावा किया है और पता चला है कि वो एक ही किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और बताएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कीजिए। मकसद से कई संस्थाएं चला रहा था, समाज सेवा की आड़ में कई संस्थाएं केवल पीएफआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगी हुई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नाम का सियासी दल भी बनाया गया था, जिसका मकसद राजनीति में एंट्री करके पीएफआई की मदद करना था। इसी तरह छात्रों की एक संस्था बनाई गई थी, नाम था कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए भी एक संस्था थी, नाम था नेशनल वुमेन ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल नाम की एक धार्मिक काम करने वाली संस्था भी चल रही थी। ऐसी ही वकीलों को जोड़ने के लिए ऑल इंडिया लीगल काउंसिल नाम की संस्था का गठन किया गया। सामाजिक कामों के लिए भी एक संस्था तैयार की गई थी, रिहैब इंडिया फाउंडेशन। इसी तरह मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी एक संस्था थी और मजदूरों को साथ जोड़ने के लिए एक ट्रेड यूनियन भी बनाई गई थी। नाम अलग काम अलग, लेकिन सबका मकसद केवल एक ही था, पीएफआई के जहरीले एजेंडे को आगे बढ़ाना। छात्रों से वकीलों तक और महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए एक नाम दिया गया। हर नाम ऐसा कि जांच एजेंसियों को शक ना हो, हर एक ऐसी संस्था के जरिए चंदा वसूलने का काम किया जा रहा था। इसी चंदे के जरिए पीएफआई अपने सारे काम कर रही थी। गिरफ्तार हुए अपने साथियों की कानूनी मदद से लेकर जिहाद की पाठशालाओं तक सब कुछ इसी चंदे के पैसे से किया जाता था। पीएफआई का मकसद युवाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने का था। आरोप है कि युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए मजहबी पाठशालाएं तक लगाई जाती थी, जहां जंग लड़ने से लेकर आग लगाने तक का पाठ पढ़ाया जा रहा था। नए दस्तावेजों में कुछ हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया गया है कि पीएफआई के सदस्यों को मार्शल आर्ट और कुंफू कराटे की ट्रेनिंग दी जाती थी। शारीरिक तौर पर उन्हें इतना मजबूत बनाया जाता था कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में लड़ पाएं और अपने मिशन को कामयाब कर पाएं। पत्थरबाजी तक की ट्रेनिंग इन लड़कों को दी जाती थी। साथ में ये तकनीक भी बताई जाती थी कि सबसे छुपाकर कैसे अपने पास पत्थर जमा किए जा सकते हैं ताकि सही वक्त पर इस्तेमाल किए जा सकें। विरोध प्रदर्शनों में जमा हुई भीड़ को कैसे उकसाया जाए और कैसे किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिंसा भड़काई जाए, इसकी भी खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती थी। दूसरी तरफ इन्हें खास तौर पर यह सिखाया जाता था कि कैसे लोगों को सीएए जैसे किसी मुद्दे पर विरोध के लिए इकट्ठा किया जाए और फिर उन्हें हिंसा के लिए उकसाया जाए। मतलब ये कि इन लड़कों को चलती फिरती मिसाइल बनाकर समाज में छोड़ने की पूरी स्कीम तैयार थी। चाहे कश्मीर में आग भड़कानी हो या सीएए जैसे किसी मुद्दे पर देश को सुलगाना हो, पीएफआई ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसके हर सदस्य का ब्रेन वॉश कर उसमें कट्टरपंथी जहर भरा गया था। उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी चल रहा हो तो उसमें कैसे हिंसा भड़काई जाए। मतलब ये कि जरा सी भी चिंगारी कहीं सुलगती हुई दिखे तो ये लड़के उसे बवंडर में बदलने का काम कर सकते थे। जांच एजेंसियां पीएफआई से जुड़ी हर संस्था की फंडिंग तलाश रही हैं। दावा किया जा रहा है कि भारत में हिंसक प्रदर्शनों की कई घटनाओं में भी पीएफआई का हाथ हो सकता है।